प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो पहले नंबर्स हमने पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज करेंगे हम लोग, और फिर हम जानेंगे क्यों रैशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। ओके, क्या उसका डेफिनेशन होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर पढ़ना, तो था हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, राइट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली स्टार्ट होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। कभी एंड नहीं होता है, राइट साइड में चलता जाता है, राइट। होल नंबर क्या था? तो उसमें 0 से स्टार्ट होता था और बाकी के जो नेचुरल नंबर है वो आ जाते थे, राइट। इंटीजर में क्या था? तो इंटीजर में क्या था? आपको माइनस नंबर भी थे, ओके, और प्लस नंबर भी थे, राइट। इंटीजर में क्या था? आपको नेगेटिव नंबर भी था और पॉजिटिव नंबर भी था, राइट। नाउ तो हम जब ये तीन नंबर हमने पढ़ा है बेसिकली, ओके, तो क्यों फिर ये रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी? ओके, नाउ अगर आपको याद हो जब हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ रहे थे, डिवीजन की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाए, ओके, अगर दो इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं, ओके, तो इस केस में जो रिजल्ट आता था, क्या यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपको 7, राइट। कुछ केसेस में क्या था, रिजल्ट मेरा इंटीजर आता था, बट कुछ केसेस ऐसे थे, फॉर एग्जाम्पल -14/3। नाउ यहाँ पे दोनों इंटीजर थे, जब डिवाइड किया तो उन्होंने क्या रिजल्ट क्या मिला? एक हम लोग को एक इंटीजर मिला था, राइट। हम लोगों ने पढ़ा भी था डिवीजन प्रॉपर्टी में कि व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स, ओके, द रिजल्ट मे नॉट बी इंटीजर, राइट, जो उन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था, राइट। तो उसमें क्या केसेस थे? कुछ केसेस ऐसे थे, ये वाला सेकंड केस, जिसमें क्या था, हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमें पता नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो होल नंबर्स को डिवाइड करूं मैं, अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 14/3, नाउ यहां पे 14/3 क्या है? दोनों होल नंबर है, अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, राइट? क्या वो होल नंबर होगा? तो आंसर है नहीं, राइट। क्या वो इंटीजर होगा? तो आंसर होगा नहीं इसमें, राइट। तो इस तरह के नंबर्स जो हम को जो नए नंबर्स आ रहे थे, बेसिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसका कुछ नाम देना पड़ा हम लोगों के, और इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोग को इंक्लूड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया नंबर फैमिली बनाया जिसका नाम हमने रखा रैशनल नंबर। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है आपको? चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग की, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो वो रहा कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, ओके, और P/Q। नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ये दूसरा टर्म आपको याद रखना है। और दिस इज क्या इंपॉर्टेंट है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है बेसिकली तो बोले हम लोग, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो तीन चीजें हमने देखा, रैशनल नंबर होने के क्या होना चाहिए, P/Q फॉर्म में होना चाहिए, अंडरस्टूड। सेकंड चीज क्या हमने पढ़ा, P और Q का इंटीजर होना चाहिए, और थर्ड से हमने क्या पढ़ा कि Q = 0 नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो हम नंबर फॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? अब चलिए देखते हैं हम लोग कि इस सारे नंबर्स का रिलेशन क्या है बेसिकली, ओके। तो मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ना, ये मान लीजिए नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दिस इज नेचुरल नंबर, ओके। अगर ये सर्कल में सारे नेचुरल नंबर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना, वेन डायग्राम का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, वेन डायग्राम बता रहा हूं, तो यहां पे ये जो हमारे सर्कल ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो होल नंबर क्या होगा? होल नंबर इससे बड़े वाले सर्कल में होगा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि होल नंबर के अंदर में ही क्या होगा, नेचुरल नंबर में आया, क्योंकि देख सकते हैं आप होल नंबर में क्या आता है, सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और 0 इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर, ये होल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। नाउ होल नंबर के बाहर क्या आ जाएगा, आपको इंटीजर आएगा, क्यों देखते हैं, क्यों इसके बाहर में इंटीजर आएगा, ये क्या है, ये इंटीजर है, क्यों? क्योंकि इंटीजर में क्या आता है, देखिए इंटीजर में क्या आता है, अगर 1 से मैं काउंट करूं तो ये नेचुरल नंबर भी आता है, 0 से स्टार्ट करता हूं मैं तो ये होल नंबर को भी कंटेन कर रहा है, राइट। बट इंटीजर में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी है, राइट, इसलिए इंटीजर में क्या करेंगे हम, इसके बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरस्टूड? समझ आ रहा है आपको?
फिर से मैं बताता हूं आपको, नेचुरल नंबर सबसे छोटा सर्कल में आएगा, क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब क्या है यहां पे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर आल्सो, सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर क्या है, इस छोटा सर्कल है, और ये होल नंबर क्या है, बड़ा सर्कल है। छोटा सर्कल जो है नेचुरल नंबर जो है वो इस होल नंबर के क्या है, अंदर में है, इनसाइड में ही है, राइट। उसी तरह से मैं अगर ये दोनों कंडीशन बताऊं क्या बोल सकता हूं मैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट, क्योंकि छोटा सर्कल है ये और ये बड़ा सर्कल, क्यों हो रहा है ऐसा, और ये बड़े सर्कल से हम इंटीजर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटीजर में होल नंबर भी आता है और कुछ जो नेगेटिव नंबर है वो भी आते हैं। तो बेसिकली आपको अगर मैं पूछूं पता है ये वाला जो नंबर है, जो बाहर वाला जो है ये एरिया, बेसिकली कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये होंगे आपके नेगेटिव नंबर। अंडरस्टूड? ये जो सर्कल, ये सर्कल, ये दोनों सर्कल के जो बिटवीन में जो एरिया है ना, बेसिकली कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अंडरस्टूड? तो अब मान लीजिए कि अब मुझे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना, तो रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसके बाहर आएगा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर किधर आएगा, यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में क्या 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 आता है, देखिए ये बोल रहा है कि जो p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए, p और q क्या है, इंटीजर है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, अगर मैं इंटीजर लेता हूं -4 ना, क्या ये p अपॉन q फॉर्म में है, अभी नहीं है, बट क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों को पता है कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं -4/1, 6 को लिख सकते हैं हम 6/1, तो p अपॉन q के फॉर्म में है, और ये 6/1 क्या है, इंटीजर है, राइट, ऐसा नो, इसलिए क्या हो गया। तो देख रहे हैं आप कि इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपको पता चलेगा कि सारे इंटीजर्स क्या हो गए, वो उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? सारे इंटीजर, चाहे कोई भी इंटीजर ले, चाहे 10 ले लीजिए, -10, -20, -30, उसको p अपॉन q के फॉर्म लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर को हम लोग 1 कर देंगे हम लोग, राइट। तो p अपॉन q फॉर्म में लिख रहे हैं हम, इसका मतलब सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। बट मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल -4/5, ओके ना, यहां पे क्या है, यहां पे p और q क्या है, दोनों इंटीजर है, राइट, क्या यहां बता सकते हैं ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है, क्या है, ये इंटीजर नहीं है, राइट। तो देख सकते हैं आप कि रैशनल नंबर में इंटीजर के नंबर तो आते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी हैं, इसलिए क्या हमने रैशनल नंबर्स को क्या किया है, सबसे बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? फिर से बताता हूं आपको, रैशनल नंबर्स के सारे इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए आपको मैं पूछूं कि बताइए कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये कॉस किस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इंटीजर वाले एरिया की, तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे इंटीजर्स वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, यस। बट इसके बाहर वाले कौन है, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में जो है वो एरिया कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो बेसिकली इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किस तरह के नंबर्स, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 तो डिफाइन ही नहीं है और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं -2/1, तो बेसिकली -2 क्या है, ऑलरेडी यहां पे आ गया है कि नहीं। बट मैं बोलूं -2/4, तो ये नंबर कहां पे आया, क्या ये इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, इसमें नहीं आएगा, ये कहां आएगा, ये बट ये रैशनल नंबर है, कहां पे आएगा, ये इस वाले एरिया में आएगा। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं होता है, अंडरस्टूड, और 0 भी नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे रैशनल नंबर्स क्या बोलते हैं हम लोग, वो कहां पे आएगा, वो इस वाले एरिया में। अंडरस्टूड? तो इससे चीज और क्या पता चला आपको कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। अंडरस्टूड? फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको शुरू से, कैसे, क्या मैं बताया था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। यहां पे आते ये दोनों देखते हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। अंडरस्टूड? इंटीजर और रैशनल नंबर में क्या रिलेशन है, तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, ठीक है। देखिए ये रैशनल नंबर जो है पूरे पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत नहीं कीजिएगा, गलती मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि रैशनल नंबर बस केवल इसको रिप्रेजेंट, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पूरा सर्कल जो है 12 सर्कल, बेसिकली ये सर्कल के अंदर जितना भी है ना इस एरिया, ये रैशनल नंबर है, ये सर्कल के जितना के अंदर जितना एरिया है वो क्या है, वो
इंटीजर है, ये सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है वो क्या है, वो आपको होल नंबर है, और ये सर्कल के अंदर जितना एरिया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अंडरस्टूड? अब मैं पूछूं आपसे, बताइए कि ऑल होल नंबर्स आर रियल रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू होगा फॉल्स होगा, देखिए सर्कल को क्या है, देखिए ऑल होल नंबर्स क्या सारे होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या है, बड़े वाले रैशनल नंबर सर्कल सर्कल के क्या बीच में है, अंदर में है, इनसाइड में है, राइट? तो क्या होगा, आंसर होगा यस, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन में इस तरह से बोलता हूं, ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट? मैं पूछूंगा सम रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फिर सुनिएगा, सम अबाउट सम, कुछ रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं, ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो आंसर क्या होगा, ट्रू, राइट? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या है, ये भी तो पार्ट ऑफ रैशनल नंबर ही है, बट ये क्या है, ये जो है ये होल नंबर भी है, अंडरस्टूड? तो ये जो इस सर्कल में जो भी नंबर्स होंगे ना, वो होल नंबर तो होंगे ही, वो रैशनल नंबर्स भी होंगे, अंडरस्टूड? तो सम रैशनल नंबर्स कैन बी होल नंबर आल्सो, सम रैशनल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर आल्सो, सम रैशनल नंबर्स कैन बी इंटीजर आल्सो, अंडरस्टूड? ये सारे रिलेशन आपको समझ में आ गए, अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं हम लोग, दो डेफिनेशन आते हैं उसमें, रैशनल नंबर्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं, तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू 4/5, या मैं लिख दू -6/-7, ठीक है? या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में, ये भी क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना? दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, अंडरस्टूड? या फिर नेगेटिव हो, उसको बोलते हैं लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, नाउ नेगेटिव रैशनल नंबर को बोलते हैं इफ ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, वी कॉल इट नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल -4/5, 6/-7, देखिए इस वाले में क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, इस वाले किसमें क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो कोई भी एक जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसमें से कोई भी एक अगर नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे उस रैशनल नंबर को, हम बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट जीरो, जीरो किसमें आएगा, तो जीरो ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में आएगा ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर में आएगा, अंडरस्टूड? जीरो जो है दोनों में नहीं आएगा, अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना चाहिए। ना दो टर्म्स आते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये होता है नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, ना नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, नॉन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा, नॉन जब लगा रहते हैं ना तो उसका जो मीनिंग निकलता है वर्ड का उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1/2, 1/3, 1/4, 3/5, ये सब हो गया रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि उसका उल्टा, मतलब नेगेटिव हो गया और उसमें जीरो भी आ गया, मतलब जीरो से लेकर के जीरो एंड ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। अब ध्यान रखिएगा, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नॉन मतलब पॉजिटिव को क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ताकि क्या ऑल नेगेटिव, अंडरस्टूड? और इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बताया नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर, तो यहां पे नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाला रैशनल नंबर। ओके, बट नॉन नेगेटिव वाला मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव और जीरो की बात कर रहा है, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, अंडरस्टूड? समझ में आपको ये दोनों चीज आपको समझ आना चाहिए, अंडरस्टूड? आई होप कि आपको ये सारे नंबर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या रिलेशन होता है, ओके, क्यों रैशनल नंबर पढ़ते हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको कि क्या डिफरेंस होता है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में, अंडरस्टूड? थैंक यू।